तुलसी जी ने ये पंक्ति लिखी, लिख के कलम को तोड़ दिया, 3 दिन रोते रहे। वो तो हनुमान जी ने आके समझाया, क्या गोस्वामी जी राम जी तो बन चले गए, अब मत रोइए, लिखिए आगे। तब तो आगे लिखना प्रारंभ किया। दशरथ जी सुन हो गए जब केकई ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। केकई ने यहां उल्लाहना दी तो दशरथ जी ने केकई को खूब समझाया, पर जब केकई ने कोई उत्तर नहीं दिया तो अवधेश ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है सो करो, पर जब तक मैं जीवित रहूं तब तक तुम मुझे अपना मुंह ना दिखाना। सुबह हुई, दशरथ जी को बाहर आते न देखा, अवध के लोगों में चिंता हुई। सुमंत जी को महल में भेजा, सुमंत आए, देखा दशरथ जी को मूर्छित अवस्था में। केकई से पूछा तो केकई ने कहा महाराज रात भर से राम को याद कर रहे हैं, राम को भेजो। सुमंत जी ने राम जी को कहा, राम जी आए। केकई से पूछा तो केकई ने पूरी बात बताई। राम जी ने जब अपना वनवास का सुना तो राम जी नाचने लगे। ये नहीं कहा मेरा अपराध क्या है, ये कहा सुन जननी सोई सुत बड़बागी, मातु पिता जो बचन अनुरागी। संसार में वो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है, माँ जिसे माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है। माँ मैं बन जाऊंगा। कौशल्या के पास आए, कौशल्या जी ने राम जी को देखा तो कहा पुत्र अब तक यूं ही घूम रहे हो, जाओ ना लो कुछ खा लो, आज तो बड़ा शुभ दिन है, आपको आपके पिता युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा मां मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। कहां का राजा बनाया, न ढोल न नगाड़े, कब राजा बनाया, ढोल नगाड़े तो वहां बजेंगे जहां कहा मुझे राजा बनाया, कहां का राजा बनाया। मेरे प्रभु कहने लगे पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, मातु मुदित मन आय सुताता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दें ताकि मेरा वन गमन मंगलमय हो। कौशल्या जी ने जब पूरा पूछा तो मंत्री पुत्र ने सब बात बताई। कौशल्या जी ने कहा राज देन कह दीन बन मोहिन सो दुख लेस। राम तुम्हें राजा देने का कह के, राज देने का कह के वनवास दिया, उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है पुत्र कि तुम बिन भरत ही भूपति ही प्रज ही प्रचंड कलेश, तुम्हारे बिना राघव भरत महाराज और प्रजा प्रचंड कलेश सहेगी, कैसे तुम्हारे बिना सब रहेंगे। पर राम जाओ, माता पिता ने वन में जाने का कहा है तो तुम्हारे लिए वन शो अवध के समान है, जाओ पुत्र। पितु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोर हूं से ही। पर राघव मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनिष्ट। कौशल्या कहने लगी या को नहीं कछु दो सहिए, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। राम इसका मुझे कोई सोच नहीं है कि लोग कहेंगे सबके घरों में जो हो रहा था वो इनके घर में भी हुआ। के कई कोन कछु अपराध
लिखे विद्यंकन तारे टरेंगे। मैं कैकई का भी कोई अपराध नहीं कहती, विधि ने लिखा उसे कौन मिटा सकता है। तो मां कैसा अनर्थ, कौशल्या कहने लगी, बिंदु यही किसा सती है, बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के बज्र परेंगे। पूज्यपाद बिंदु जी महाराज कहते हैं, राम लगता है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनर्थ, कि लाल तिहारे, लाल तिहारे सिदारत ही महिपालो ही अनाथ करेंगे। लाल जी ऐसा लगता है कि तुम गे में नहीं रहोगे और महाराज देह में नहीं रहे, तुम अवध को त्याग दोगे, महाराज अपनी देह का त्याग कर देंगे। पराघव, विधि को जो मंजूर है वही होगा, जाओ पुत्र। जानकी जी आती है संग जाने का, कहती है राम जी कौशल्या जी समझाते हैं और फिर अंत में मेरे प्रभु कहते हैं जानकी को, चलो लक्ष्मण जी आते हैं, लखन को भी मेरे प्रभु समझाते हैं, पर लखन भी जब अंत में एक ही बात कहते हैं कि प्रभु अगर आप हमें यहां छोड़ के गए तो हम आपकी आज्ञा का पालन करने रहेंगे तो जरूर, और आपके चरणों की सौगंध खा के कहते हैं कि जो अयोध्या हमारे प्रभु को न रख पाई उस अवध में लक्ष्मण नहीं रहेगा, आपके अयोध्या को त्यागते ही मैं सरयू में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा, पर आपके बिना जीवन नहीं रखूंगा। राम जी ने कहा ठीक है तैयार हो। तीनों केकई के पास गए, केकई ने वलकल दिए, मेरे प्रभु ने लखन में वलकल पहने। राम जी पिता के पास आए हैं विदा लेने, जो ही मेरे प्रभु आए, तपसी का बेस धर के भगवान बन चले, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, जो ही राम जी को तपस्वी के वेश में अवधेश ने देखा दशरथ जी रोने लगे, पुत्र को राजा बनाना चाहते थे साधु बना दिया। अवधेश कहने लगे राम तो मकाउतात मुनि सब कई राम चरा चरनायक अही, तुम्हें तो मुनि कहते तुम चराचर के नायक हो, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी देत ईश फल हृदय विचारी, शुभ और अशुभ कर्म जो व्यक्ति जैसा करता है उसको भगवान विचार के फल देते हैं। करई सो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असका सब कोई, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, सही है। राम जी ने कहा पिताजी, अवधेश कहने लगे और करे अपराध कुंवर पावे फल भोगी, अति विचित्र भगवत गति को जग जाने जो, अपराध कोई और करे उसका फल कोई और भोगे, ये क्या भगवत गति है। राम देखा पिता ने रूप
निकल पड़े तपसी का बेस धर के भगवान बन चले। नरसिंह जी रोते हुए राम जी से कहने लगे, राम एक बात कहूं पुत्र। राम जी ने कहा, पिताजी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक बार राघव एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है, फिर जीवन में मिलना नहीं होगा। कम से कम मरने से पहले ये तो संतोष लेके मरूंगा कि मेरे पुत्र को मैं हृदय से लगा एक बार। राम जी दशरथ जी के पास आए, अवधेश ने राम जी को हृदय से लगाया। महाराज रो पड़े। राम जी को पता है कि पिता मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे जाना है। पिता को प्रणाम करके मेरे प्रभु उठ के चले। दशरथ जी मूर्छित होके गिर पड़े, जाते हुए राम जी को देख नहीं पाए। थोड़ी देर में चेतना आई, सामने मंत्रीवर सुमंत खड़े हैं। अवधेश ने हाथ जोड़ के सुमंत से कहा, सुमंत जीवन भर मित्र तुम मुझे हाथ जोड़ते रहे, पर आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, एक मेरा काम करो मित्र। रथ जोत के जाओ, राम लखन जान की तीनों को रथ में बिठा के चार दिन वन में घुमा के वापस ले आओ। राम सत्य प्रतिज्ञ है, राम न आए लखन भी न आए तो सुमंत वन की भयानकता बता के जानकी को समझा के कैसे ये करके ले आना, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहते ही अवधेश मूर्छित हो गए। सुमंत जी रथ जोत के आए, राम जी को अवध के लोग घेर के खड़े हो गए, हम आपको जाने नहीं देंगे। राम जी उनको समझा रहे थे, सुमंत ने आके कहा, महाराज रथ पे विराजिए, मेरे प्रभु ने सोचा ऐसे तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। रथ पे आरूढ़ हुए, अवध के लोग रथ के पीछे भाग रहे हैं। चलते हुए तमसा के किनारे आए या रात्रि विश्राम किया। लोग रथ के पीछे दौड़ते हुए आए तो थके हुए थे, राम वियोग में दुखी थे। तमसा किनारे जहां जो सोया गहरी नींद आ गई, और सबको सोता देख के राम जी ने सुमंत से कहा, रथ जोतो मंत्रीवर, हम अभी ही निकलेंगे, सुबह ये हमें जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इन विचारों का क्या दोष है, ये तो आपके प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग के आपके पीछे आए हैं, और आप इनको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। ये सुबह जब सुबह उठेंगे ना प्रभु, तो आपके बिना वो रोएंगे दुखी होंगे। राम जी ने कहा, लखन मैं जानता हूं सुबह जब मुझे ये नहीं देखेंगे तो रोएंगे दुखी होंगे, पर ये चार दिन रोएंगे दुखी होंगे, फिर एक दूसरे को ढांढस बना के घर चले जाएंगे। मैं इनको चार दिन दुखी कर सकता हूं, पर लखन मैं इनको 14 वर्ष दुखी नहीं कर सकता। हम कहां रहेंगे, इनको कहां रखेंगे। रथ को जोता और मेरे प्रभु चले। सुबावत के लोग उठे, राम जी को नहीं देखा, चारों तरफ भागने लगे, रोने लगे, फिर एक दूसरे को समझाने लगे, प्रभु हमें छोड़ के चले गए, हमारे ऐसे कहां भाग्य के प्रभु के साथ रहे,
ऐसे भाग होते तो हमें नींद ही नहीं आती। अरे सबको नहीं आती, दो चार तो जगते, सब सो गए। अब हमें कहां मिलेंगे? दो दिन वहीं रोते रहे, प्रभु की राह देखते रहे, फिर एक दूसरे को समझा कि अवध के लोग वापस अवध आए और मेरे प्रभु चलते हुए वहां से संगबीरपुर आए। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई। अयोध्या कांड दोहा नंबर 86 के नीचे की पंक्ति है, क्योंकि यहां हम कुछ पंक्तियां क्रम से गाएंगे इसलिए आपको दोहा बता दिया। बाकी वनवास की कथा तो हम बहुत गति से चले, जो 5-6 दिन की कथा हमने आपको 20 मिनट में सुना दी। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, संग सीता सचिव सहित दों भाई संगबीरपुर पहुंचे जाए, लखन जानकी और मेरे प्रभु संगबीरपुर आए। दूर से माँ गंगा को बहते हुए देखा तो राम जी ने रथ का त्याग कर दिया। उतरे राम देव सरी देखी और कीन दंडवत हरस विशेष। माँ गंगा को दंडवत किया है, मन में अति हर्षित है। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पाए हूं रामा। राम जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, गंगा का महात्म सुनाया, लखन जानकी
और मंत्री वर को, और गंगा स्नान किया। जो ही मेरे प्रभु ने गंगा स्नान करके माँ गंगा के तट पे विराजित हुए, ये सूचना राम जी की यहाँ आने की सूचना बीलों के राजा निषाद को मिली। पूज बाबा कहते ये सुधी गुह निषाद जब पाई मुदित लिए पिया बंधु बुलाए। यह सुधी गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। सोती गो है निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए पल मूल भेट भरी बारा चले हुई हर से अपारा। ये पल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुई हर से अपारा। ये पल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुई हर से अपारा। ये पल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हुई हर से अपारा। करी दंड रघुराई सज सने अभिवस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। सहज सने अभिवस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथे कुशल पद पंकज देखे भय पंकज दे भय भाग जग जन ले। हे नाथ कुशल पद पंकज दे के भय भाग जन जन ले। नाथ कुशल पद पंकज दे राम जी के आगमन की सूचना जैसे ही भीलों के राजा निषाद को लगी तो अपने परिवारजनों को बुलाया, कंदमूल भेंट की भेंट तैयार की, राम जी से मिलने को चला। निषाद ये सोच के चला कि प्रभु एक बार मुझ पे नजर डाल देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी के पास आया तो दूर से ही करी दंडवत भेंट धरी आगे, दंडवत करके भेंट आगे रखी और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। राम जी को देखे अति अनुरागित हुआ। पर यहां गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है राम जी के स्वभाव के बारे में। तुलसी जी लिखते हैं सहज स्नेह
विवश रघुराय। राम जी तो सहज सनही के बस हैं, उनको कृत्रिमता पसंद नहीं है, बनावट पसंद नहीं है, ध्यान रखिए छल पसंद नहीं है। आप कितने योग्य वो भगवान नहीं देखते, आप कितने प्रेमी है वो मेरा प्रभु देखता है। आप में कितना प्रेम है, आप कितना अच्छा गाते हैं, वो उससे राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी दासी सरस्वती है, जिनके इशारे से शारदा नृत्य करती है, उनको तुम क्या गा के रिझाओगे महाराज। जिनके श्वास श्वास से वेदों का प्रागट्य होता है, उनको तुम क्या गान की बात बताओगे। जो लक्ष्मी के पति हैं, उनको तुम लक्ष्मी बता के क्या रिझा सकते हो। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, उनको आप अपने बल से क्या प्रभावित कर सकते हो। भगवान को एक ही बात से आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अपने ओर प्रभावित कर सकते हो, और वो है एकमात्र प्रेम। आप उनसे कितना प्रेम करते हो। आप कौन हो, आप धनी हो, आप कुल कुछ कुल के हो कि आप विद्वान हो, कुछ नहीं, ये सब गौण है हमारा। अगर धन से ही भगवान प्रसन्न होते तो जितने बड़े बड़े धनी हैं ना, ठाकुर जी इनके घर में बैठे रहते, इनको सपने में भी कभी राम जी नहीं दिखते हमारा, जागर तो क्या खाक दिखे। तो धन से भगवान प्रभावित होते नहीं, संगीत से प्रभावित हो तो इस देश के जितने बड़े बड़े संगीतकार जो श्रेष्ठ गायक हैं, राम जी उनके सामने होते नहीं। वो जागृत छोड़ी कभी स्वप्न में भी नहीं पा सकते, और विद्वत्ता से बिल्कुल नहीं। तो भगवान किससे मिलते हैं। भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं जो जानन हारा। राम जी केवल केवल मात्र प्रेम के भूखे। भाई मेरा कौन है, ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन भर की माला एक है, पर महाराज हम लोगों की बड़ी विडंबना है, ये सत्य कह रहा हूं। हम जीवन में सब कुछ सबको याद कर देते हैं, सबके ऊपर विश्वास रखते हैं, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, लेकिन जिस पे विश्वास रखना चाहिए उस पे हम विश्वास नहीं रख पाते, कभी उसे नहीं कहते हैं कि हे हरि, हे प्रभु, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है। जाऊं कहां जाऊं, को पे सुनाऊं, कौन सुने मेरी, किसको बताऊं, तेरे सिवा कहां जाऊं। ये शब्दों को कहां जाऊं, कोने सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कौन सुने, कौन सुनेगा, तेरी सिवा बिगड़ी बना दे मेरी, मेरी बिगड़ी को तेरे सिवा और कौन बनाने वाला है। आर्त भाव से आप उनकी शरण में जाइए। निषाद के पास कुछ नहीं है, पर ये आया है तो प्रभु के सामने जो उसके पास थी, कंदमूल फल की भेंट रखी, दंडवत किया, अनुराग से कह रहा है प्रभु स्वीकार करें। तुलसी जी कहते हैं सहज स्नेह विवश रघुराय। राम जी स्नेह के बस, इसलिए निषाद ने सोचा नजर डालेंगे, पर प्रभु ने तो कहा मित्र कैसे हो तुम, पूछी कुशल, निकट बैठा है, पास में बैठा तेरा, मेरे पास क्या आके बैठा, पूछी कुशल निकट बैठा। जैसे ही पास में बिठाया, निषाद कहने लगा नाथ कुशल पद पंकज देखे। जीवन की सब कुशलता हो गई प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके। भयो भाग्य भाजन जन, जन।
जन लेके। आज मेरे भाग्य उदय हुए, मैं भी आम जन में अपने को समझ सकता हूं कि मैं भी मनुष्य हूं। आज हमारी भी समाज में गिनती होगी क्योंकि प्रभु आपने स्वीकार किया। राम जी से हाथ जोड़ के निषाद कहने लगा, करई कृपा पूरी धारई पाओ, आप कृपा करके मेरे नगर में पधारे। राम जी ने कहा, निषाद पिता की आज्ञा का पालन करने में आया हूं, 14 वर्ष तक किसी गांव किसी बस्ती में मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं यही रहूंगा। निषाद कहने लगा, तो प्रभु आज आप यही रुक जाइए। राम जी ने कहा, हमें आगे जाना, लोग अवध के लोग यहां ढूंढते हुए मुझे आ जाएंगे। निषाद कहने लगा, नहीं देखिए इसकी भाव को, इसके भाव को समझें। गांव का मुखिया कैसा होना चाहिए, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, ये निषाद के भाव को देख के समझ ले। ये आदमी राम जी से कहने लगा, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो, अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं आज अपने गांव के लोगों को वन में नहीं जाने देता। हम बहुत गरीब हैं प्रभु, मेरे गांव के लोग वन में जाके लकड़ी काट लाके शहर में बेच के जो कुछ मिलता है उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर मुझे ये पता होता कि आप आने वाले, तो मैं सबको रोक देता, क्योंकि मैं आपके दर्शन करके धन्य हूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। प्रभु आज आप रुक जाएंगे ना तो शाम तक मेरे गांव के लोग भी आ जाएंगे, वो भी आपके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, इसलिए प्रभु आज आप यहीं रुक जाइए। खूब निहोरा किया, राम जी ने स्वीकृति दी, निषाद ने सुंदर साथी तैयार की। राम जी ने संध्या की है, कंदमूल फल का आहार लिया और शाम होते ही पूरे भील जो बाहर गए हुए थे सब आए हैं। जो जो सूचना मिली सब लोग आते हैं। राम जी लखन जानकी जी को देखते हैं, गोस्वामी जी के तेरा मलखन सिय रूप निहारी, कही स प्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कही स प्रेम सकी ते पितु मात कहूं सकी कैसे, जिन पट हैं बन बालक ऐसे। ते पितु मात कहूं सकी कैसे, जिन पट हैं बन बालक ऐसे। ते पितु मात कहूं सकी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। हे पितु मात कहो सकी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। एक कही भल भूपति की ना, एक कही भल भूपति की ना,
राम लखन सी रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को निहार के ग्रामीण बधूटी यानी ग्रामीण नारी और नर एक दूसरे से कह रहे हैं ते पितु मात तू कहूं सखी कैसे। सखी वो कैसे माता पिता है जिन पटे हैं बन बालक ऐसे, जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेजा है? उनको थोड़ी बहुत भी कुछ विचार नहीं आया। लेकिन कार्यारी क्यों दोष दे रही हो, एक कहीं भल भूपति की ना, ये तो अच्छा किया राजा ने जो इनको वन में भेजा। अगर इनको वन में नहीं भेजते तो लोयन लाव हमें विधि दीना, हमें इन आंखों का लाभ विधाता ने दिया इनके वन आने पे, नहीं तो हमें इनके दर्शन का कहां सौभाग्य मिलता। हमें इनका दर्शन का सौभाग्य तभी मिला जब महाराज ने इनको वन में भेजा। रात्रि मेरे प्रभु ने यहां विश्राम किया। यही रात में लक्ष्मण जी ने निषाद को ज्ञान दिया है जिसे मानस में लक्ष्मण गीता कहते हैं। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पे चर्चा की तो फिर समझ गए ना, इसलिए कुछ चीजें बाईपास चलना पड़ेगा। रात बीती, सुबह हुई, मेरे प्रभु ने भीलों से दूध मंगाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत लोचन जल छाए। राम जी ने लखन के साथ जटाएं बनाई, सुमंत जी ने राम जी को जटा बनाते देखा तो आंखें भर आए। सुमंत जी हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ कहूं अस कोसल नाथा, लेरत जाऊं हे देव। मुझे महाराज दशरथ जी ने कहा तुम रथ लेके राम के साथ जाओ, बन दिखाए सुरसरी अनवाई, आनो फेर बेग दो भाई, बन दिखा के गंगा स्नान करवा के दोनों भाइयों को जल्दी ले आना। मैं आपसे इतना ही कहूंगा। सुमंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते ही अवध अनाथ ए तात, आप कृपा करके वही करें जिससे अवध अनाथ ना हो। कर विनती पायन परो दीन बाल जिमिरो, विनती करके चरणों में गिरे बालक की तरह रोने लगे। राम जी ने सुमंत को समझा के जबरदस्ती वापस विदा किया है। गोस्वामी जी कहते हैं यहां बार बसरा सुमं पठाए, बसिया सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए, सुरसरी तीर आपू तब प्रतिपालों में
बस राम जबरदस्ती राम जी ने सुमंत जी को वापस भेजा और मेरे प्रभु गंगा के किनारे आए। गंगा के किनारे आके केवट को आवाज लगाए, हे केवट भैया नाव लाओ। केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? तो कहने लगा कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, ये गंवार केवट कह रहा मैं आपके मर्म को जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि समु न चावन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि समु न चावन हारे, जी कहते हैं कि प्रभु आप जगत तमाशा है, आप उसको देखने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप अपनी माया से नचाते हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जान पाते, तो और आपको कौन जान पाता है? आपको तो वही जान पाता है जिसे आप जनाते हो, और जिसने आपको जान लिया वो आपका हो लिया बस। और ये सही है, व्यक्ति संसार में कब तक रहेगा? जब तक भगवान को नहीं जानेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कहता हूं मैं, कुछ मानस जी के अलावा जो भी आपको कहूंगा अपने जीवन के अंदर अनुभव की बातें कहूंगा, बाकी मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, खाली कथा को लेके चलता हूं। वास्तविकता यही है कि जो भगवान को जान जाता है फिर उसको दुनिया से कोई काम नहीं, वो फिर भगवान का ही हो जाता, फिर उसका जीवन ही वही है बस। फिर तो एक ही है, मुझे है काम इस वर से जगत रूठे तो रूठना दो, दुनिया से क्या लेना देना हमारा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई कितना करूप हो, चाहे कोई कितना धनी हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे कोई छोटे पद पे हो या कोई बड़े पद पे आसीन हो, सीधी सी बात। मैंने कल जब हमारे
भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आए, सीपी जोशी जी आपके यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, तो हमें हमारे कोई प्रेमी हैं, परिचित हैं हमारे, उन्होंने हमें सुबह मैसेज किया जोधपुर से कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा भैया फोटो भेज देना कौन है, हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम राजनेताओं से थोड़ा दूर रहते हैं, हमें ये थोड़ा नहीं पसंद, हम कहीं जाते नहीं, आते नहीं, भाग लेते न, अपने यहाँ कभी बुलाते हैं, हमारे आश्रम में भी हम किसी को नहीं बुलाते, संतों को खूब बुलाते, बाकी इनसे तो बुलाते नहीं, तो हम जानते नहीं। तो हमने कहा फोटो भेज देना, तो उन्होंने फोटो भेजा, तो हम उनको फोटो को गौर से देखा, तभी तो कथा विराम के बाद में हम हंसे जगदीश जी के सामने। मैंने कहा फोटो बता दिया, नहीं तो उतारा हो जाता महाराज सांसद साहब का हमारे यहाँ सीधा से, कि हम थोड़ी देर पहले ही कहा था हमने कि भाई हनुमान जी आए तो भी आने मत देना, और उसके बाद ही वो आए, अब देखा तो पहचान गए, अब क्या कहे हमारा, बैठे रहे मन मसोट के चुपचाप, क्योंकि जानत तुम ही हो जाए, मुझे है काम इस वर से, जगत रूठे तो रूठ ना दो, क्या करना माना, हमारे लिए तो सब एक ही है। आपके गांव का सरपंच आए तो भी उसको वंदन, और चाहे देश का प्रधानमंत्री आए तो भी वंदन, हमें क्या करना, हमारे लिए वो कोई जय जय नहीं, वो कोई निंदनीय नहीं, सही है गलत है, क्या करना महाराज। रोटी तो राम जी की कथा गाएंगे तो ही मिलेगी महाराज, बाकी तो नहीं मिलेगी, तो फिर टेंशन काहे को, क्यों बिना मतलब गावन के चक्कर काटते, ये कथा गाएंगे तो रोटी मिलेगी, ये पता है, और ये पक्का विश्वास है, ये मानस गाते रहेंगे तो रोटी तो आप लोग खिला दोगे, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, जोर से बोलो भाई, और ज्यादा मेरा कोई विशेष बड़ा भोजन नहीं है, या तो बाजरी की रोटी लेता हूँ या जौ की रोटी लेता हूँ, एक सब्जी बस, और कुछ नहीं, ना कोई दो सब्जी तीन सब्जी वो सब्जी फला सब्जी कुछ नहीं, और इतना तो कोई भी खिला देगा, इतनी तो राम जी की कथा में ताकत है, रोटी मिल जाएगी तो फिर किसकी गर्ज करनी हमारा। जानत तुम ही हो जाए, भगवान को जान लोगे तो दुनिया की गर्ज बंद हो जाएगी, राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम, फिर तो सीताराम जी की प्रसन्नता हो यही मन में बनेगा, दुनिया की प्रसन्नता का भाव कभी नहीं आएगा, कि वो राजी हो कि वो राजी हो कि वो राजी हो। किसको राजी करना, बोलिए क्या राजी कर पाओगे। अभी वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अभी अशोक जी से ज्यादा मेल मुलाकात करेंगे तो बीजेपी वाले सोचेंगे ये तो कांग्रेस ही है, और पहले बीजेपी की सरकार थी तो उनसे मेल मुलाप करते तो कांग्रेस वाले कहते ये तो बीजेपी वाले हैं। महाराज संत किसके होते, ना कोई बीजेपी के होते ना कांग्रेस होते, संत को राम जी के होते महाराज, उनको क्या लेना देना पार्टियों से, ये पार्टी आप लोगों ने बनाई, हमें पार्टियों से क्या लेना देना, लेकिन संतों ने भी आजकल ठप्पे लगा दिए हैं, कुछ झंडे लेके घूमते हैं वो गलत है, एक पार्टी होनी चाहिए उनकी, तो कोई पार्टी नहीं बस, एक पार्टी होनी चाहिए, कौन सी, कोई पार्टी नहीं बस, जहां बैठे हरि गुण गाएं बस, यही एक भाव। जानत तुम ही हो जाए, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने, वो एक साधारण केवट कह रहा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो, तो कहने लगा छुवत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरण छूते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई, पाहन तेन काठ कठिनाई, और पत्थर से तो लकड़ी कठोर नहीं है, और अगर ये मेरी नाव आपके चरण को छूते ही
नारी बन गई तो महाराज ए प्रतिपालों में परिवारू ए प्रतिपालों सब परिवारू जानू नहीं कछु और कबारू। इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं और कोई काम काज जानता नहीं हूं, एक ही काम रगरी मेरी नाम नारी बन गई तो आप तो कह दोगे केवटी नाव तेरी तो नारी तेरी। अब महाराज एक तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा और धंधा और चला जाएगा, एक है वही ठीक है महाराज। आपके पिताजी के तीन है, देखो आपकी दशा क्या हुई। और ये वास्तव में सही है महाराज, आदमी मैं तो अभी दो चार रोज पहले बड़ा हंसा यार, हमारे कोई यजमान पूजा करने वाले आए थे तो वो दो पत्नी वाले थे, वो आए पूजा करने, हम उनको देखे धन्य है महाराज। हमने हमारे संगीतकारों को कहा, मैंने कहा क्यों क्या महाराज, मैंने कहा हो तो बोलो। आदमी सब जगह हां करता है, यहां समझौता नहीं करता। सावन का महीना था अध्यक्ष जी, तो मित्रों ने कहा चलो पार्टी करते हैं, आज इतवार है, सभी मित्र मिलके पार्टी करने गए तो कहा अकेले नहीं परिवार सही जाएंगे, सब परिवार को ले गए। सुबह के नाश्ते से लेके शाम का भोजन तक सब कैटरिंग वाले को कह दिया, सुबह का नाश्ता किया, अब झील के किनारे सब खेलने लगे। खेलने क्या लगे, क्रिकेट। शर्त क्या रखी, कोई भी जोर से शॉट नहीं मारेगा, और बॉल झील में गिर गई तो उसी को जाके झील से बॉल लानी पड़ेगी। ठीक है, तय हो गई सब, अब खेलने लगे। उनमें एक शंकर जी का परम भक्त था, वो सुबह सुबह बूटी लगा के आ गया, बूटी में तो समझते हो, अब भांग का नशा चढ़ा हुआ था, और बॉल आई तो मारा जोर से शॉर्ट बॉल गई सीधी झील में। अब उन्होंने कहा जा बॉल लेके, उसने कहा मुझे तैरना ही नहीं आता, तैरना नहीं आता तो काय को शॉर्ट मारा, जा ले आ, कि नहीं ला नहीं सकता, दूसरी नहीं ले आता बाजार से, नहीं वही लेके आना ही पड़ेगी, और नहीं लाए तो हम सब मिलके उठा के फेंक देंगे झील में। उसने कहा ऐसा मत कर, लाता हूं। अब झील के किनारे गया, तैरना तो आता नहीं था, झील के किनारे बैठ के रोने लगा, हे भोलेनाथ तेरे अभिषेक के चक्कर में सुबह सुबह तेरे प्रसाद ले लिया, बॉल चली गई, अब तुम ला के दे दो भोलेनाथ, नहीं तो ये मेरे मित्र झील में डाल देंगे, तेरे भक्त की रक्षा करे हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे ऑर्डरदानी। जैसे ही रोने लगा भगवान शंकर तो बड़े भोले प्रसन्न हो गए, बोल भक्त क्या हुआ, बाबा मेरी बॉल झील में गिर गई। शंकर जी झील की तल पैने में गए, बाहर आए, बॉल लाए पर चांदी की बॉल लाए, कहा ये तेरी बॉल, नहीं बाबा मेरी ये बॉल नहीं। वापस शंकर जी गए, वापस आए तो सोने की बॉल आई, नहीं बाबा ये भी मेरी नहीं है। फिर शंकर जी गए, बाहर आए तो हीरा लेकर, नहीं नहीं बाबा ये भी मेरी बॉल नहीं। चौथी बार गए, वही असली लेदर की बॉल लाए, ये तेरी, हाँ बाबा मेरी यही है। शंकर जी ने कहा तू तो बड़ा ईमानदार निकला, इतना बड़ा सोना, इतना चांदी, इतना हीरा देख के तो किसी की भी मति बदल जाती है, नीयत बदल जाए, और तू असली बॉल कर, तेरी ईमानदारी पे बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, ले तेरी ये बॉल तो ले जा, ये तीन बॉल मेरी तरफ से टिप ले जा। अब वो तीन बॉल जेब में डाल के अब आया, अब सब खेल रहे थे। थोड़ी देर में उन सब की पत्नियां झील के किनारे घूम रही थी, तो जो शंकर जी का भक्त था ना उसी की पत्नी झील के किनारे पानी में कमल खिले हुए थे, तो कमल को लेने के लिए जो ही झुकी पांव फिसला सीधी झील में। साथ वाली दौड़े, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी डूब रही है, भाभी जी, सब दौड़ के आए, पर भाभी जी तो भीतर गई वापस आई नहीं। लगता है नीचे मल दलदल था या मलबा था, कहीं फंस गई। अब सब सोचने लगे किसकी डूबी, सबने संभाला तो वो शंकर जी के भक्त की डूबी। अब तो वो झील किनारे
रोने लगा, बाबा बॉल नहीं देता तो चल जाता पर घरवाली चली गई, मेरी घरवाली, मेरी घर। शंकर जी प्रसन्न हो, क्या हुआ? बाबा मेरी घरवाली डूब गई। शंकर जी का ठीक, भीतर गए, बाहर आए तो करिश्मा कपूर को लेके आए, कहा ये है तेरी पत्नी? हाँ बाबा यही है मेरी पत्नी। शंकर जी ने कहा बेईमान, करिश्मा कपूर को देखा, कहा यही है मेरी पत्नी? उसने कहा बाबा क्या करूं, मैं इसको मना करता तो आप भीतर जाते, माधुरी को लाते, उसको मैं मना करता तो भीतर जाते ऐश्वर्या को लाते, वो तो ठीक है, फिर चौथी बार जाते असली को लाते, असली लाते तो वो तो बढ़िया थी, लेकिन आपका स्वभाव बड़ा विचित्र, कहते ये बेटा असली ले जा, तीन टिप में ले जा, एक है वही ठीक है बाबा, तीन तीन केवट कहने लगा नहीं मारा, यहां गड़बड़ है। आपको पार जाना है, एक काम कीजिए, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते ई घाट के थोरी की दूरी ले, कटिलो जलता दिखायो तू यही घाट के थोरी की दूरी ले, कटिलो जलता है दिखायो तू पर से पग दूरी तरे तरनी गरनी गर को समझायो तू पर से पग दूरी तरे लंबन और कछूलरी काकी भाती जिया लगा, इस घाट से थोड़ा दूर मेरे साथ चलें, मैं आपको कमर जितना पानी दिखाता हूं, अगर आपको मेरी वाणी का विश्वास न हो मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए, कहीं गहरा गड्ढा होगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे गिरता देखे तो आप वहीं से वापस घूम जाइए, क्योंकि प्रभु मुझे पता है, मुझे तो तैरना आता है पर आपको तैरना नहीं आता, आपको तो तारना आता है, इसलिए आप वहीं से घूम जाए। पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइयो जू, अगर आपके चरण छूते ही नाम नारी बन गई तो घरवाली को समझाऊंगा कैसे? तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भात जी आयो जू, विलंब का और कोई कारण नहीं है, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? राम जी ने कहा भैया हम पैदल नहीं चल सकते, हमारे साथ जानकी है, नाव में बैठा हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवट करने लगे जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं मोई पद पद मुपकार न कहूं, अगर आपको अवश्य पार जाना है तो मैं नहीं कहता आप कहो कि केवट तेरे मन का संशय मिटाने के लिए तू चरण पकार ले, मैं चरण पखार के आपको नाव में बिठा दूंगा, आप ये ना सोचना कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, मुझे पता है आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवट कहने लगा पद कमल दो ई चढ़ाई नावन नाते
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। ये पद केवट कहने लगा आपके चरण को धोके आपको नाव में बिठा के पार ले जाऊंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। आप सोचते होंगे कि आपके पास कुछ देने को नहीं है इसलिए मैं आपको बिठा नहीं रहा, मुझे पता आपको देने की कुछ नहीं है, फिर भी आपको हमारी वाणी का विश्वास नहीं है। तो मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूं, मैं आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं। अब बताओ हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए क्या कहते भाई, मेरी मेरे बाप की सौगंध। ये तो बड़ा विचित्र आदमी कह रहा, आपकी आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बेईमान खलासी हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा। और जो ही बाण निकाला केवट कहने लगा, मरु तीर मारो लखन पे जब लगिन पाव पकारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। मारिए मारिए, ये मांगने का बड़ा सुंदर तरीका। एक भाई नाव मांगता, दूसरा भाई बाण दिखाता, मैं आपके बाण से डरने वाला नहीं, मैं मेरी नाव में खड़ा हूं, मेरी नाव गंगा में खड़ी है, आप मुझे बाण मारेंगे, बाण के लगते मैं सीधा गंगा में गिरूंगा। आदमी मरता है ना तब उसको लोग चम्मच से गंगा जल पिलाते, और मैं तो सीधा गंगा में गिरूंगा, गंगा में गिरते ही मेरे मुंह में स्वतः ही गंगा जल आ जाएगा। और फिर आदमी जब मरता है तो मरते समय उसकी जिसमें मति होती है उसको वही गति मिलती है, और मैं तो आपको देखते देखते मरूंगा तो आपका धाम तो पक्का। फिर जब मर जाऊंगा तो गांव के लोग इकट्ठे होंगे, इस बेचारे गरीब केवट को मार दिया तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा परिवार का क्या हाल होगा। तो आप तो न्यायप्रिय हैं, आप तो धर्म को धारण करने वाले एक धर्म का स्वरूप हैं, तो आप तो अधर्म की बात करेंगे नहीं। और धर्म यही कहेगा, न्याय यही कहेगा कि मेरे बालक जब तक बड़े नहीं होते तब तक लक्ष्मण जी चप्पू चला के इनका पालन पोषण करें। लक्ष्मण जी ने बाण वापस डाल दिया, ये चप्पू चलाने के लिए घर छोड़ा था क्या। केवट कहने लगा, भले आप बाण बताओ मैं आपसे डरने वाला नहीं, लेकिन जब तक आप मुझे चरण पखारने का नहीं कहेंगे तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। जो ही कहा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीएसए करुणा एन चितव जान की लखन तनु। केवट के अटपटे वचनों को सुन के मेरे प्रभु खिलखिला के हंसे, और हंस के लक्ष्मण सीता के सामने देखा कि इसे पहचाना, ये वही कछुआ है। क्षीर सागर में जब हम शेषैया पे शयन कर रहे थे तो ये हमारे दर्शन का भाव लेके आया, ये पांव की तरफ आता तो जानकी तुम उस समय लक्ष्मी रूपा थी, तुम इसके सर पे पंखी का प्रहार करती। ये सर की तरफ आता तो लखन तुम उस समय शेष रूप में थे तो तुम फन का प्रहार करते। पांव से सर, सर से पांव, ये व्याकुल होके इसने प्राण त्याग दिए, पर तुम दोनों ने इसे मेरे दर्शन नहीं करने। ये वही कछुआ केवट बना, लक्ष्मी तुम भी हो, शेष तुम भी हो, और तुम दोनों की उपस्थिति में ये मेरे चरण पखारेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेरे प्रभु हंसे। राम जी ने केवट के सामने देखा,
मेरे प्रभु सोचने लगे, ये क्या किसी के कहे कहे कह रहा है कि इसका भाव भी है। कृपा सिंधु बो ले मुस्काए, सो ही करूं जे तब नावन जा। राम जी कहने लगे, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव को कोई नुकसान न हो। केवट ने कहा, महाराज आपको मेरी नाव की चिंता है तो यहीं रुक जाओ, ये भी तो बन ही है, उधर जाना जरूरी है। राम जी ने कहा, हमें उधर जाना है। तो केवट ने कहा, तो फिर बातें क्यों घुमा रहे हो, हमने आपको कहा ना चरण पखारने का कह दो। राम जी हंसने लगे और कहने लगे, बैगी आन जलो पाए पखारो सिहाई, यही सम पुण्य कुंज
मुझको लाए। मेरे प्रभु ने केवट से कहा, जा जल्दी जा, जल ले आ और चरण पखार ले, मुझे विलंब हो रहा है, जल्दी पार जाना। केवट ने कहा, प्रभु रुकिए। राम जी ने कहा, अब क्या हुआ? केवट ने कहा, प्रभु देखिए, हमने आपके सामने दो बातें कही। हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, पर हम इतना जानते हैं कि पखारना किसे कहते हैं और धोना किसे कहते हैं। राम जी ने कहा, हम समझे नहीं। केवट ने कहा, पुरुष और नारी दोनों में से कोई एक पांव पे जल डाले तो उसे धोना कहते हैं, और पति पत्नी दोनों जल डाले तो उसे पखारना कहते हैं। और हमने आपसे दोनों बात कही। पहले हमने कहा कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोई पद पदम पखारन कहूं। फिर हमने कहा, पद कमल धोय चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं। राम जी ने कहा, तो आप अगर मुझे कहते कि बैगी आन जल पाए धोऊं, तो मैं अभी लाके धो देता। पर आपने कहा, बैगी आन जल पाए पखारूं। मानस में दोनों बातें दी हैं। देखिए, जनक सुनेना जी दोनों ने जब राम जी के चरणों पे जल डाला विवाह के समय, तब तुलसी जी ने लिखा मानस में पंक्ति है, बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। जब भोजनशाला में राम जी भोजन के लिए गए सबके साथ, तब जनक जी ने राम जी के चरणों पे अकेलों ने जल डाला, तब तुलसी जी ने वहां लिखा, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महंगोए। वहां अकेलों ने डाला तो धोए, दोनों ने डाला तो पखारे। राम जी ने कहा, तो हम समझे नहीं। महाराज, मैं अपनी घरवाली को ले आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कहां इसके चक्कर में पड़े, अभी के घरवाली को लाऊंगा, फिर कहेगा बाप को लाऊं, मां को लाऊं, सास को लाऊं, ससुर को लाऊं, पता नहीं किस किस को लाएगा। राम जी ने कहा, जा लिया लेना, जल्दी चरण पखार ले। केवट घर आया, पत्नी से कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ, प्रभु ने हमें चरण पखारने की अनुमति दी है। केवट की पत्नी तैयार हुई, केवट कोने में बैठ के रोने लगा। केवट की पत्नी ने कहा, अब क्या हुआ? केवट ने कहा, भगवान ने हमें चरण पखारने की अनुमति तो दी, लेकिन हमारे पास तो कोई पात्र ही नहीं है, हम चरण पखारेंगे किसमें? देखिए, इस आदमी को अपनी गरीबी का पहले कभी दुख नहीं हुआ। भक्त को जब भगवान की आन पड़ती है तो उसे दुख होता है। नरसिंह जी के जीवन की कथा आपने सुनी है, अक्सर टीवी में आप लोग नानी बाई का मायरा सुनते रहते हो। सब कुछ चला गया नरसिंह जी को, परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने उल्लाहना दिया, भोजन करते उठाया, अपमानित किया, पर कभी नरसिंह जी ने भगवान से शिकायत नहीं की। वही नरसिंह जी जब नानी बाई के ससुराल गए, समधन ने आके उनको टीका किया और नेक का रुपया मांगा, पर नरसिंह जी ने कहा कुछ नहीं है, तो क्रोध में भर के समधन ने टीका वापस पहुंच लिया। और संत की तो पहचान ही तिलक होता है, वो भगवान का स्वरूप समझते हैं तिलक को, इसलिए मस्तिष्क पे धारण करते हैं। पहली बार नरसिंह जी की आंख में आंसू आए और प्रभु से शिकायत की। नरसिंह जी ने भगवान से कहा, अरे डरे सावरिया, अरे डारे सवरिया कई निर्धन किया रे, एक काढ़ोड़ा तिलक पाछा पहुंच लिया,
अरियाड़ा रे सावरिया काई निर्धन किया रे माने निर्धन किया काटड़ा तिलक पाचा पहुंच लिया काटड़ा तिलक पाचा पहुंच लिया बुडली रे ब्यावन ए बुडली रे ब्यावन आने तिलक करियो जी आने भगत वसल ए भगत वसल प्रभु सारे सब काज हरि सारे सब वसल ये भगत वसल प्रभु सारे सब का देवो भगत वसल प्रभु सारे सब का ए नानी भाई के माये रानी सावरिया ने लाज सिया राम जी ने लाज हे राधे श्याम जी ने लाज नरसिंह जी ने पहली बार भगवान से शिकायत की कि प्रभु ऐसे गरीब क्या बनाए, एक रुपया नहीं हमारे पास नेक का देने को, तिलक पहुंच लिया हमारा, आज केवट को रोना इस बात का आ रहा प्रभु ऐसे क्या गरीब बनाए कि हमारे पास कोई एक धातु का पात्र नहीं जो हम आपके चरण पखार सके। केवट की पत्नी ने कहा रोते क्यों हो, हमारे पास कोई धातु का पात्र नहीं है तो क्या हुआ, हमारी नाव में पानी आ जाता है तो उसको निकालने के लिए जो कट होता है ना उसमें चरण पखार लेंगे। केवट ने कहा कठोते में तो पखारेंगे पर कठोते को भरकुल भर के ले जाएंगे, प्रभु कहे नहीं कहेंगे नहीं, अरे केवट तेरी लकड़ी की नाव तो नारी बन जाती है तो फिर कठोता भी तो लकड़ी का ही है, नाव बड़ी है नारी बनेगी तो कठोता छोटा है छोरी बनेगी, तेरे तो खर्चा वही है। केवट की पत्नी ने कहा एक काम करें, कठोते में जल भरें, अपना हाथ कठोते में रखें और भगवान से कहें कि वो अपना पांव आपके हाथ पे रखें तो आपके हाथ और कठोते के भगवान के पांव और कठोते के बीच में आपका हाथ रहेगा, भगवान का चरण कठोते से छुएगा नहीं और कुछ गड़बड़ होगा नहीं। केवट ने कहा हाँ ये तो बड़ी सुंदर, अब जल भर के कठोता लाया, राम जी को कहा पांव रखो, अपना हाथ रखा कठोते में, कहा पांव रखो, प्रभु ने पांव रखा पकारा, कहा बाहर रखे बाहर रखा, वो पांव रखो पकारा बाहर, प्रभु उसके धूल लगी वापस रखो पकार, प्रभु इसके धूल लगी वापस रखो पकार, एक पांव को पांच पांच सात सात बार पकार दिया। राम जी ने कहा ये तू क्या करा, गीला पांव बार रखूंगा तो धूल लगेगी। केवट ने कहा ओ महाराज मैं भूल गया, अब की बार ध्यान रखूंगा, पांव रखे पांव पकारा, अपना हाथ बाहर रखा जमीन पे, कहा प्रभु ये धोया हुआ पांव मेरे हाथ पे रख दे धूल नहीं लगेगी, राम जी ने रख दिया। अब दूसरा हाथ कठोते में रखा, अब दूसरा पांव रखो, प्रभु ने रखा, अब केवट के धोऊं कैसे, राम जी ने कहा हम समझे नहीं तो ये बाहर वाला पांव ऊपर उठा दो, एक पांव पे खड़े हो जाओ। राम जी एक पांव पे खड़े, केवट चरण पखारने लगा, राम जी ने कहा भैया जल्दी कर मेरे शरीर का संतुलन बिगड़ रखा है मैं नीचे गिर ना जाऊं। केवट ने कहा प्रभु आपको गिरने का डर, तो काम कीजिए ना मेरा सर पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रख दीजिए ना सर पे हाथ, क्या पता हाथ रखने से बुद्धि ठिकाने आए, कब से कर आया तो नहीं, और अगर कोई आया तो भी यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा। केवट ने कहा प्रभु आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। अब ये आदमी गंभीर हो गया, एक कहने लगा प्रभु एक बात कहूं, राम जी ने कहा ये जो गंगा बह रही है हमने संतों से मुनियों से सुना कि जो इस गंगा में स्नान करता वो पाप मुक्त हो जाता, सही है? राम जी ने कहा बिल्कुल सही है। तो प्रभु हमारे पूर्व गंगा के किनारे ही बसे, नित्य गंगा में स्नान किया, गंगा के जल का पान किया, गंगा के जल में भोजन बना के ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुए।
भगवान ने कहा संतों ने क्या कहा, तो केवट ने कहा संतों ने तो ये कहा है कि गंगा जीव के पापों को हरती है, पर जो गंगा के किनारे रह के पाप करता है उसके पापों को तो गंगा भी नहीं हरती है। और हमारे पूर्वजों गंगा के किनारे रह के जीवों की हत्या की, इसलिए गंगा ने उनके पापों को हरा नहीं। लेकिन प्रभु ये जो गंगा बह रही है ना, ये भी आपके चरणों से निकली है, और ये जो मेरे कठोते की गंगा है ये भी आपके चरणों से निकली है। इस गंगा के किनारे तो मेरे पूर्वजों ने पाप किया है, पर इस गंगा तो का तो प्रागट्य ही अभी हुआ है, तो मैं अपने पितरों को तर्पण करूं, आप मंत्र बोलो। लक्ष्मण जी के सामने देखा मेरे प्रभु ने, हो जाओ हम बने आचार्य, तुम बनो छह आचार्य, हो जाओ शुरू। केवट ने अपने पितरों को तर्पण किया, पितर तर्पित होकर जय जयकार करते हुए अपने प्रभु के धाम गए। अब इस आदमी ने सोचा कि प्रभु के चरण की रज के लगते ही एक पत्थर की शिला दिव्य पुंज में बदल गई, तो हमने तो उनके चरणों को पकार के उस सब रज को कठौते में ले लिया, तो क्यों नहीं इस चरणों तक को मैं अपने पूरे गांव के लोगों को बांट दूं। तो प्रतीक के अंतःकरण में अगर चार चार चरण के रज के कण भी गए तो सबका जीवन दिव्य बन जाएगा। सबको कहा आ जाओ चरणों तक ले लो, पूरे भील खड़े। अब केवट सबको चरणों तक दे रहा। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन भैया चरणामृत बट रहा, हम भी चलें। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय, मांगे कैसे? सीता जी ने कहा बिना मांगी ये देने वाला नहीं, मांगने पे दे दे, तू ही बलिहारी है। लक्ष्मण जी गए जाके हाथ किया, केवट ने कहा क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा चरणामृत। केवट ने कहा ये आपको बेवकूफ दिखते जो पंक्ति में खड़े हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आए, सीता जी ने इशारा किया, भैया कहना कुछ मत नहीं तो बारी आने पे भी नहीं देगा। लखन जान की भी बारी से आई और चरणामृत लिया। केवट ने सबको चरणामृत दिया। अब नाव किनारे लाया, प्रभु को कहा बैठ। राम जी ने पहले सीता जी को बिठाया, फिर श्याम बैठे, फिर लखन, फिर निषाद, सब बैठे। और मेरे प्रभु ने नाव जब बैठे तो केवट से इशारा किया और केवट ने नाव को चलाया। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे ओ नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, मन में गीत खुशी के गाता, मन में गीत खुशी के गाता, प्रभु रहे इस मन में खुशी रहे, हरी रहे इस मन में खुशी रहे मेरे मन में, रोज देखता हूँ अपनी नाव में, हो रोज देखता हूँ अपनी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तोर जादू कर पाव, डर लागे मेरे राम कैसे बैठा हूँ और बड़े प्रेम से गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? कि मेरी नैया में, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो।
बड़े भाग से अवसर आया, बड़े भाग से अवसर आया, चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया, मेरे बिगड़े रे बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहु मेरे बिगड़े बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहु तेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहु मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया केवट धीरे धीरे नाव चला रहा है और बड़े भाव से गीत गा रहा है कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहु। गंगा मैया आप थोड़ी धीरे बहो, मेरी नाव में सीताराम जी हैं। हुआ यह महाराज, मेरे प्रभु ने पहले भी गंगा स्नान किया लेकिन
इसको थोड़ा चालू करना। गंगा को पता नहीं चला कि यही मेरे जन्मदाता है, लेकिन जब केवट और गंगा राम जी का संवाद हुआ तो गंगा को पता चल गया कि यही मेरे जन्मदाता है। पर उसके बाद तो थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा वापस पंखा चले तो जुकाम हुआ हुआ, बंद करें तो गर्मी लगे, इतनी लाइट ऐसा परेशानी थोड़ी है। अब सोचा चल जाएगा काम, जब तक गाड़ी डाउन हो जब तक कथा पूरी हो जाए। हम लोगों की भी अध्यक्ष जी बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, चाहे कितनी भी शारीरिक वेदना हो, लेकिन समय पे आके कथा तो गानी है महाराज, इसमें कोई दोहरा है। अब उसको हम कैसे सेट करें वो हमारी, और राम जी करते हैं, जब वहां से चलते हैं यहाँ आते तब सोचते हैं तो बोला ही नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ बैठ के जैसे शुरू करते हैं पूंछ वाला क्या पता अपना काम निकालता है। ये बात देखिए, कथा होती जब तक गला काम करता, कथा विराम करके जाए पिटे ना वो महाराज बोला ही नहीं, ऐसा लगता है आवाज निकल ही नहीं, बड़ी ताकत लगा के बोलना पड़ता चार बात करने के लिए। पर केवट और राम जी का संवाद हुआ और गंगा को पता चला कि यही मेरे जन्मदाता है। पर उसके बाद तो केवट ने प्रभु को मौका ही नहीं दिया गंगा में पांव रखने का, तो गंगा प्रभु के चरणों को छूने के लिए लहरें उठने लगी और नाव डोलने लगी, तो केवट गंगा से कहता है, बड़े भाग से अवसर आया चरण दोई चरणामृत पाया, अरे मेरे बिगड़े ओ बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहु। मैंने प्रभु से कहा माँ कि आप हमें चरण पखारने दे, हम आपको पार ले जाएंगे। प्रभु ने चरण पखारने दिए, अब अगर हम पार नहीं ले गए तो हमारे चरण पखारे व्यर्थ चले जाएंगे, इसलिए आप थोड़ी सी धीरे बहु ताकि मैं उस किनारे ले जाऊं प्रभु को। गंगा के भीतर से आवाज आई, केवट तू कितना भोला है रे, ये जो तेरी नाव में बैठे इनको पहचान, थोड़ा जानता हुआ भी ऐसा क्यों अज्ञान हो रहा है, इनके हवाले करे अपनी नैया बन जाएंगे ये तो केवैया, अरे तेरा कर देंगे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहु, ये तुझे कर देंगे भव से पार गंगा मैया धीरे बहु, ये नाव तेरी इनके हवाले कर दे, यही तेरे नाव के खेवैया बनेंगे। अरे तू तो नाव को कह रहा है, नाव नहीं तेरे जीवन की नाव को भी पार ले जाएंगे। केवट नाव लेकर उस किनारे आया, जैसे ही किनारा आया वापस घुमा दी, फिर वो किनारा आया फिर घुमा दी, फिर वो किनारा आया फिर घुमा दी। राम जी ने कहा तू कर क्या रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, किनारे क्यों नहीं ले जा रहा। केवट ने कहा प्रभु एक बात पूछूं। राम जी ने कहा बोल, आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया, ये तो नहीं कहा इतने इतने दिन फला फला जगह जाके रही हो। राम जी ने कहा ये तो नहीं कहा, तो हमारी नाव में बैठे रहो ना, कौन सा आपसे उतरा ही मांग रहे। लक्ष्मण जी ने कहा पितरों के तर्पण करवा दिया, बीती रही उतरा ही बाकी है। राम जी ने कहा वो बात नहीं भैया, तुम बार बार इधर उधर लाते हो तो हमको चक्कर आने लगे। केवट ने कहा वहां महाराज
पांच सात चक्कर काटती आपको चक्कर आने लग गए, और हम 84 लाख चक्कर काटते हमको चक्कर नहीं आते। राम जी ने कहा भैया तुम हमारे चक्कर, तू मेरा चक्कर मिटा दे, मैं तेरा चक्कर मिटा दूंगा, तू पार ले। केवट नाम को किनारे लाया, मेरे प्रभु नीचे उतरे, सबको नीचे उतारा, नाव को एक तरफ खड़ा किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। केवट ने उतर के प्रभु को दंडवत किया। उस किनारे राम जी ने बुलाया, इसने न वंदन किया न प्रणाम किया, कुछ नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था, अब क्या हुआ? केवट ने कहा लखन भैया उधर तो अकड़ने से काम बन गया, इधर अकड़ने से नहीं, इधर तो चरण पकड़ने से काम बनेगा। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना, पियहि दया अनुग्रह तोरे, फिरती
प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। केवट ने आके प्रभु के चरणों में दंडवत किया। राम जी ने केवट को चरणों में गिरते देखा तो राम जी के मन में संकोच हुआ, इस गरीब ने हमें गंगा पार किया है पर आज इसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। मन में संकोच हुआ। मैंने कल कथा सुनाई थी आपको कि सुनैना जी जानकी से कहती हैं कि बेटी राम जी बड़े संकोची हैं, वो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहेंगे नहीं, इसलिए पति के रुख को देखे आज्ञा का पालन करना। जानकी ने ये सिख हृदय में धारण की थी। राम जी ने कहा नहीं और गोस्वामी जी कहते पिय ही की सिय जानन पति की हृदय की बात को जानकी जी जान गई। अरे मनी मुदरी मनो मुदित उतारी, प्रसन्न मन से अपनी मुद्रिका को, ये वो मुद्रिका है अवध से जब प्रभु चले थे ना तो जानकी ने अपने सब अलंकारों को त्यागा था और केकई अंबा से काम ये अंगूठी हमें अति प्रिय है, आर्य पुत्र ने हमें इसे विवाह के समय दिया है, ये हमें प्राणों के सम प्रिय है, इसे हम नहीं उतारेगी। उस अंगूठी को जो इतना इतना प्रेम करती है, पर आज राम जी को विचार में देखा तुलसी जी कहते हैं प्रसन्न मन से अंगूठी को उतार के राम जी के हाथ में दी। राम जी कहने लगे जानकी ये तो आपके हाथ की अंगूठी है। जानकी जी कहने लगी प्रभु ये भी तो हाथ आपका ही है। मेरा हाँ, जिस दिन से पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया तब से ये हाथ आपका ही हुआ, चाहे उस हाथ की हो चाहे इस हाथ की हो। पिय ही की सिय जानन मनि मुदरी मनो मुदित उतार। राम जी को कहा ये दे दो, कहे हो कृपाल ले उतराई। राम जी ने मुद्रिका लेके केवट को कहा ये लो ये उतराई ले लो। केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट प्रभु के चरणों में गिरा, रोने लगा, कहने लगा प्रभु मैं गरीब जरूर हूं पर मैं नीच नहीं, मेरे वस्त्र जरूर फटे हुए हैं पर प्रभु मेरा चरित्र फटा हुआ नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी माँ के अलंकार लूंगा। नाथ आजू में काहून पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे समस्त जन्मों के दोष मिट गए। जीव का सबसे बड़ा दोष होता है पितृ दोष। केवट कहने लगा मैं उस दोष से मुक्त हो गया, मेरे समस्त जन्मों के दुख मिट गए। दुख होता है जीव का संसार का आवागमन, आज वो मेरा दुख मिट गया और आज मेरा दरिद्र चला गया। गरीब कौन है संसार में जिसके जीवन में प्रभु की कृपा का धन नहीं, वो सबसे बड़ा गरीब है। महाराज आज आपकी कृपा का धन मिल गया।
केवट कहने लगा, अब कछु नातन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी कृपा से। राम जी ने कहा ले ले, चल उतराई समझ के नहीं यूं ही रख ले। केवट कहने लगा, प्रभु मैं इसका क्या करूं, अगर ये सोने की होती तो मैं जरूर रखता। राम जी ने कहा खरी सोने की है? केवट ने कहा प्रभु नहीं, ये सोने की होती तो मैं रखता, कभी संकट की घड़ी में बाजार में बेच के कुछ मुद्रा मिल जाती, पर प्रभु ये सोने की नहीं है। अरे खरी सोने की नहीं प्रभु, ये मात्र सोने की नहीं है, इसके ऊपर राम लिखा हुआ है और राम कभी बेचा नहीं जा सकता, तो मैं इसका क्या करूं, देना ही है। फिर ती बार जो मोही देवा सो प्रसाद में आप वापस आते समय जो मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेन, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल वरन। बहुत कहा मेरे प्रभु ने केवट को, ये इतना गरीब आदमी है महाराज, इतना गरीब जिसके घर में कोई एक धातु का बर्तन नहीं है, पर आज इसे स्वर्ण की मुद्रिका मिल रही थी, पर का नहीं है, नहीं होगा। राम जी बिना दिए जाने देते, इसने नहीं लिया कुछ तो विदा कीन करुणायतन, मेरे प्रभु ने विदा किया पर क्या दिया, जिसके लिए मुनि योगी धीर ज्ञानी भी ललायित रहते, भक्ति विमल वरदे, मल मुक्त मन कर दिया और भक्ति का विमल वर दिया। केवट से कहा जाओ, केवट प्रभु के चरणों में गिरा, रोते हुए कहने लगा जावो कहाँ प्रभु, ये जावो कहाँ तजी चरण जाओ का जी चरण तिहारे, का को नाम पति पावन जग, का को नाम पति पावन जग, का पद है। केवट कह रहा है प्रभु से मैं कहां जाऊं आपके चरणों को छोड़ के, इस संसार में किसका नाम पतित पावन है, किसने अधमों का उद्धार किया है, कहां जाऊं, का को नाम बिराई बिरद हित कहीं अति दीन प्रिया, आपके सिवाय दीन किसको प्रिय है, कहां जाऊं। राम जी ने कहा तेरा परिवार है, केवट कहने लगा अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन रात, अपने साथ लो।
राम जी ने फिर भी केवट को वापस भेजा है। पार्थिव शिव का पूजन किया, जानकी जी ने माँ गंगा का पूजन किया, माँ में पति और देवर के साथ कुशल वन गमन के आऊंगी तो आपका उद्यापन कर। अवध से चले रथ में बैठ के आए, गंगा पार नाव में बैठ किए है। पद यात्रा अब प्रारंभ हुई है, पैदल यात्रा अब वन की चालू हुई। तुलसी जी ने कवितावली रामायण में झांकी खींची है। पुर से निक सीर गुवीर वधु के धरि धीर दये मग में डगदे। संगपुर से जानकी जी निकली है, देर करके जैसे ही मार्ग में चार कदम भरे हैं तो सीता जी की स्थिति क्या हुई। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर में। ललाट के ऊपर पसीने की बूंदे चमकने लगी और सिया जू के होठ सूख गए। राम जी के सामने देखे किशोरी जी कहने लगी, फिर बूझती है चलना अब कीत की पर न कुटी करिए कितने। प्रभु अब कितना चलना है, आप तो कह रहे थे वन में जाके कुटी बनाएंगे, कुटिया कहां बनाएंगे। अयोध्या से चले, पिता होते रहे, मां कौशल्या अम्मा रोती रही, अवध के लोग रोते रहे, पर मेरे प्रभु की आंखों में आंसू नहीं आए। पर जब जानकी जी ने कहा कि प्रभु अब कितना चलना है, कहां कुटिया बनाएंगे, चार कदम के बाद तुलसी जी कहते तिय की लखिया तुरता अखियात चारु चली जल च्वे तिय की लखिया तुरता। जानकी की आतुरता को लख के राम जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने कहा जानकी अगर आप थक गई हो तो थोड़ा विश्राम कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। मेरे प्रभु रुके, लखन जी ने कहा प्रभु मैं जल ले आऊं, राम जी ने कहा ले आओ। लक्ष्मण जी जल लेने गए तो राम जी ने कहा जानकी लखन जल ले आए हम चलें। सीता जी ने कहा नहीं। राम जी ने कहा क्यों। जानकी जी कहने लगी अरे पुत्र लखन जल लेने गए, अरे तो ले आएंगे। लखन लड़का है, बालक है, उसको कैसे छोड़ के जाएं। जानकी तुम तो कहती थी धीर धुरंधर देवर मोरे, वीर धुरंधर मेरे देवर तो बड़े वीर हैं, अब कह रही हो लखन लड़का है। सियाजू के नेत्र भर आए, कहने लगी प्रभु जिस दिन से सुमित्रा अम्बा ने कहा ना कि तात तुम्हारी मात वेदे ही, उसके बाद में मुझे लखन में वीरता नहीं दिखती, मुझे लखन में लड़का दिखती, मुझे लखन में बालक दिखते। इसलिए बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाडे रहो, गए लखन ले नंबर बारी प्रभु जी ठाडे रहो। एक काम करिए बटकी शीतल छाह निकट अति, ये पास में सुंदर वटवृक्ष है, उसकी सुंदर शीतल छाया है। तीतर पलकों पल चारी प्रभु जी ठाडे रहो, उसके नीचे कुछ पल उनका इंतजार करें, अभी आ जाएंगे और प्रभु मुझे भी मौका मिलेगा। क्या आपके देखिए चेहरे पे पसीने की बूंदे आ गई। समकन पहुंची मुनि रखी मुख पंकज, आपके चेहरे की पसीने की पूछे पहुंचूंगी और आपके मुखमंडल को थोड़ा देखूंगी, क्योंकि जब से चले आप आगे चलने में आपके पीछे आपको देखने का मौका ही नहीं मिला। श्रमकन पहुंची निरखी मुख पंकज
अचरा सो करियो बयारी प्रभु जी टाडे रहो। मेरे आंचल से थोड़ी हवा डाल दूंगी, आपका पसीना सूख जाएगा, तब तक लखन जल ले आएंगे। जल ले आए लखन तो लइयो, जल ले आए लखन तो लइयो, चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी टाडे रहो। चरणामृत चरण पखार के ले लेंगे, हमें तो चरणामृत का भाव ही केवट से पता चला। प्रभु सुनी राजेश सिया झुके बैना, पुल के प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी टाडे रो। बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी टाडे रो। मेरे प्रभु रुकते हुए चलते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज जी से मिले, रात्रि विश्राम किया। तो देखिए आज कथा का 8वां दिवस, कल 9वां दिवस है। ऐसे हमारे शास्त्र संत पुराण कहते हैं कि 9 दिन में जो कभी आया, कभी कोई कारणवश कथा में नहीं आ पाया, वो भी अगर पूर्ण आरती का दर्शन कर लेता है तो उसे पूर्ण कथा का फल मिलता है। तो मेरा आप सबसे करवर निवेदन है कि आप इतने दिनों में कोई आ पाया, कोई कारणवश न आ पाया लगातार, और जो कोई एक दिन भी अब तक नहीं आया है तो उसे भी आप प्रेरित करके कल जरूर लाइए, ताकि इस पावन पवित्र आयोजन के अवसर पर आयोजित इस राम कथा की पूर्ण आरती का दर्शन करके, पूर्ण आरती की कथा का श्रवण लाभ लेके वो भी अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य करें। मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगा। कल कथा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, 2 बजे हम कथा को कल विराम करेंगे, और परसों एक दिवस का विश्राम रहेगा, और 15 तारीख को सुबह पुनः आप लोगों के सामने विज्ञान के माध्यम से 9:30 बजे पुनः मानस की पवित्र धारा माँ गंगा के किनारे प्रवाहित होगी 32 दिवस तक। तो आप संस्कार के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल, मेरा निवेदन है अगर आप लोग मानस को निरंतर सुनना चाहते हैं, आपको ये अगर जानना हो कि भाई हमारी कथा कब कहाँ कब कब कितने बजे होगी, उसके लिए आप एक काम कीजिए, हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पे सूचना मिलती रहेगी कि कहाँ कथा है। आप कथा में आके प्रत्यक्ष बैठ के भी कथा का आनंद ले सकते हो, और घर बैठे भी संस्कार चैनल के माध्यम से, सत्संग चैनल के माध्यम से, और हमारे YouTube चैनल मुरलीधर जी महाराज के नाम से जो हमारा YouTube चैनल है, उसके माध्यम से भी आप मानस कथा का लाभ ले सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः सुबह 10 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय जय। हमारे बीच में 3 छत्री बालाजी मंसूर महंत श्री 108 रामकिशोर दास जी महाराज पधारे हैं। पूज्य महंत जी का मैं व्यासपीठ से, आयोजक समिति से, और आप सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप पधारे, आपने हम सबको दर्शन दिया। आपके चरणों में पुनः हम सबका प्रणाम। जय जय सियाराम। भाव और प्रेम से सभी लोग एक बार बोले सियावर रामचंद्र भगवान के। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटिस कोटिस वंदन करते हुए पुनः पवित्र पूज्य व्यासपीठ को वंदन करता हूँ, एवं व्यासपीठ की आभा को सुशोभित करने वाले व्यास जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी महानुभवों की पुरजोर तालियों के साथ में वंदन करता हूँ, पुनः महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ। आप श्रवण कर रहे थे परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज के मुखारविंद से भारत खंड की इस दिव्य व पवित्र धारा में
राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ के निकट अरनोद तहसील में स्थित विराजमान होरी हनुमान जी महाराज मंदिर के इस पावन और पवित्र प्रांगण में मंदिर के शिखर स्थापना व तीसरे जीर्णोद्वार के उपलक्ष में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज अष्टम दिवस की दिव्य कथा। आज के प्रसंग में आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माँ जानकी व लक्ष्मण जी के वन गमन की कथा तथा भक्त केवट भक्ति की सुंदर व दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे थे, श्रवण आनंद ले रहे थे। आइए प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और हनुमान जी महाराज के प्रति प्रेम भक्ति की इसी पावन व पवित्र भावना के साथ में मानस जी की पावन व मंगल आरती के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री होरी हनुमान जी महाराज के परम भक्तगण श्री हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधि श्रीमान शांतिलाल जी देवड़ा अध्यापक जो गांव बिछोड़िया एमपी से पधारे हैं। आपके साथ में श्रीमती सपना देवड़ा जी आपके श्रीमती निवेदन करना चाहूँगा। आपके भ्राता श्री श्री मुकेश जी देवड़ा उनकी धर्मपत्नी श्री ममता जी देवड़ा आपके भ्राता श्री श्रीमान ओम प्रकाश जी देवड़ा आपकी धर्मपत्नी श्रीमती फुलवंती जी देवड़ा श्रीमती भूलीबाई वाइफ ऑफ अंबाराम जी देवड़ा आपकी माता श्री कृपया आप सभी लोग मंच पर पधारें और श्री मानस जी की पावन व मंगल आरती में भाग लेकर अपना भाग्य उज्जवल बनावें। विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा श्री वर्दी चंद जी मीणा अपने बीच पधारे हैं ग्राम पंचायत सरपंच मोवई से, कृपया आपसे नम्र निवेदन करूँगा आप मंच पर पधारें और मानस जी की पावन व मंगल आरती में भाग लेवें। सादर सहित सम्मान सहित निवेदन करना चाहूँगा नगरी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि घनश्याम जी धाकड़ अपने बीच पधारे हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें और मानस जी की पावन व मंगल आरती में भाग लेकर अपना भाग्य उज्जवल बनावें। विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित रघुवंशपुरम आश्रम केशव प्रिया गौशाला जहाँ भारतीय वेद लक्षणा युक्त देसी गौ माता के संरक्षण व संवर्धन का पावन पुनीत कार्य किया जाता है। आप में से कोई सज्जन पूज्य महाराज जी के इस सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहे, इस सेवा प्रकल्प को आगे बढ़ाना चाहे तो अपनी टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर केशव प्रिया गौशाला सेवा समिति के अकाउंट नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से फोनपे गूगल पे तथा पेटीएम के माध्यम से अपनी धन राशि को घर बैठे गौ माता के श्री चरणों में समर्पित कर इसे पवित्र कर सकते हैं। आइए गौ सेवा की इसी पावन और पुनीत भावना के साथ में होरी हनुमान जी महाराज मंदिर के इस पावन और पवित्र प्रांगण में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज अष्टम दिवस की पावन और मंगल आरती। संतन को सरे
समाने अरुगत संभव मुनि भी जाने व्यासादि कवि अर्ज बताने कागबु संधि गरुड़ कृष्ण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सतगुरु भगवान की जय गौ माता की जय हरि ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव बार बार वर मांगा अर्ष देव श्री रंग पद सरोजान पायनी भक्ति सदा सत्संग कामिनार प्यार जिम लोभे ब्रज में नाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहिर ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रतिमान्यासन देहनाकं महिमान सजिन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् श्रीमंति काम कुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजाधिकर वेल रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरे में स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथात कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो घ्राणं परमेश्वर सुमद सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नात करो स्वीकार मद पुष्पाणि समर्पयामि नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम